हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी। तो जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी एंड लाजवाब सब्जी बनेगी। तो देखते हैं इसका क्या तरीका है। फ्राई पैन हमने गैस पे रखा हुआ है, इसके साथ ही हमने ये ऑयल डाला है। सरसों का तेल लिया है मैंने, और इसके बाद इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग और एक चम्मच के करीब जीरा है, जैसे आप देख सकते हैं। अब इसके साथ ही हम एक बड़ा प्याज जो मैंने चॉपर से रखा है वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हिलाएंगे। अब ये हमने लिया है लहसुन, 4-5 कलियां के करीब इसमें डालेंगे हम चॉपर से। और ये लिया है हमने जिंजर, अदरक, और सबको अच्छी तरह से मिला लो। अब ये मसाला भून चुका है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, मीडियम टमाटर और ग्रीन चिली। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे इसे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे एक चम्मच से थोड़ा कम हल्दी, आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च, नमक अपने टेस्ट अनुसार आप डाल सकते हैं, और एक चम्मच इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है। इसको अच्छे से मिला लें, अच्छे से चलाएं ताकि इसका रंग अच्छा सा निकल के आए। इसके साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना। आंच धीमी रखें थोड़ी। मसाला भूनते भूनते हम इसमें अब फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया डालेंगे, और थोड़ा धनिया मैंने रख लिया है, वो गार्निश के लिए मैंने रखा है। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। और इसके बाद मसाला भूनने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे आलू, और जो हमने गोभी साफ करके धो के रखी हुई थी वो सारी सब्जी हम इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला लें, अच्छे से सारी सब्जी मिला लें। अब इसे ढक दें और इसे मीडियम आंच पे पकने दें। अब देखिए थोड़ी देर बाद, अब इसे चला के देखें, सब्जी को बीच बीच में देखते रहें और पलटते रहें इसे ताकि पक जाए ये सब्जी। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। देखिए ये थोड़ी सी अभी इसमें थोड़े कच्चापन है, अभी थोड़ी देर और पकेगी अभी, तो इसको दोबारा ढक दें। देखिए सब्जी तैयार हो गई है, इसको हिला लें थोड़ा सा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। ये देखिए गार्निश के लिए मैंने धनिया डाला है। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। देखिए इसे आप सिंपल रोटी के साथ भी रख सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।